नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम रिज्यूमे डेटाबेस बना सकते हैं MySQL में और कैंडिडेट स्टैम्प का टेबल। अगर आपके सिस्टम में पहले से ही MySQL इंस्टॉल ना हो तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हुआ है। अभी मैं रिज्यूमे टेबल में इन फील्ड्स को लिखूंगा, कैंडिडेट आईडी, नेम, जेंडर, हिंदी, इंग्लिश और सिटी। लेकिन अगर आप चाहें तो कुछ और फील्ड्स को भी ऐड कर सकते हैं। अब यहां पे मैं यूज करूंगा इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स। तो जो कैंडिडेट आईडी है इसे मैं रखूंगा प्राइमरी की। प्राइमरी की खासियत होती है यूनिक एंड कैन नॉट बी नल या ब्लैंक। MySQL में एक ऑप्शन होता है ऑटो इंक्रीमेंट, तो यहां पे मैं यूज करूंगा ऑटो इंक्रीमेंट जो कि जनरेट करेगा सीरीज ऑफ नंबर्स जो कि मैं कैंडिडेट आईडी के लिए यूज करूंगा। नेम को मैं रखूंगा नॉट नल, जिसका मतलब है कैन नॉट बी लीव ब्लैंक। बट कैन हैव डुप्लीकेट वैल्यूज। अब जेंडर पे मैं अप्लाई करूंगा नॉट नल। साथ साथ चाहे तो हम चेक कॉन्स्टेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। हम अप्लाई कर सकते हैं चेक वैल्यू शुड बी मेल या फीमेल। इसी तरह से हिंदी और इंग्लिश दोनों पे हम चेक कॉन्स्टेंट अप्लाई करेंगे। हम चेक कॉन्स्टेंट अप्लाई करेंगे कि इनकी जो वैल्यू है वो या तो यस होना चाहिए या नो होना चाहिए। जो सिटी कॉलम है इससे बनेंगे नॉट नल, क्योंकि हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ सिटी होती है। तो अब हम ये ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहेंगे, जिसके लिए स्टार्ट करना पड़ेगा MySQL कमांड लाइन क्लाइंट। हमें इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे हमसे पूछेगा ये पासवर्ड। तो जो भी आपके सिस्टम में पासवर्ड हो वो पासवर्ड आप स्पेसिफाई कर सकते हैं और ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे टेबल क्रिएट करना है। टेबल क्रिएट करने से हमें डेटाबेस क्रिएट करना होगा। तो मैंने जो टीके प्रोजेक्ट बनाया है उसमें डेटाबेस का नाम प्लान किया रिज्यूमे। तो हम लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस रिज्यूमे, तो डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं तो ऐसा भी लिख सकते हैं। हमें ये ऑप्शन तब यूज करना चाहिए जब मैं कंफर्म ना हो कि रिज्यूमे नाम का डेटाबेस बना हुआ है कि नहीं। तो नहीं बना होगा तो बन जाएगा, अदरवाइज सिंपली इग्नोर हो जाएगा। अब हमें यूज करना पड़ेगा। तो अगर हम देखना चाहें कि कौन कौन से डेटाबेसेस बने हुए तो लिख सकते हैं शो डेटाबेसेस, तो डेटाबेसेस की लिस्ट आ जाएगी। तो हमारे जो डेटाबेस है वो रिज्यूमे डेटाबेस है। हम कहेंगे यूज रिज्यूमे। अभी डेटाबेस यूज में आ गया। अब हम लिखेंगे क्रिएट टेबल। हमने नाम प्लान करा कैंडिडेट्स। अब हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना पड़ता है। MySQL स्टेटमेंट को मल्टीपल लाइन में लिख सकते हैं। जब तक हम सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तब तक वो एक ही स्टेटमेंट माना जाएगा। तो मैं लाइन चेंज कर देता हूँ। तो ये लाइन कंटिन्यूएशन आ गया। अब हमें लिखना है कैंडिडेट आईडी। बीच में अंडरस्कोर यूज किया है जिसे मैं इंटीजर रखना चाहता हूँ, प्राइमरी की। साथ ही यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ ऑटो इंक्रीमेंट। हमें नेम चाहिए जिसे बैठना चाहिए वैरकैर। वैरकैर का मतलब है कि इसमें जो साइज है वो डेटा के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। तो डेटा अगर छोटा है तो साइज अपने आप कम कंज्यूम करेगा। हम इसे मेंशन करना चाहते हैं नॉट नल, इसे ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। फिर मैं चाहिए जेंडर, इसे मैं करेक्ट ऑफ वर्ड रख रहा हूं यानी फिक्स्ड साइज 1। हम यहां पे चाहते हैं नॉट नल, इसे कोई ब्लैंक ना छोड़े। लेकिन साथ ही हम एक चेक कंडीशन देना चाहेंगे कि जेंडर या तो मेल हो या फिर फीमेल। अब यहां पे ध्यान रखना कि जितनी ब्रैकेट्स हम ओपन करते उतने क्लोज ना जरूरी है। तो ये ब्रैकेट इसके लिए क्लोज हो गया और ये ब्रैकेट इसके लिए क्लोज हो गया। कॉमा। अब अगली फील्ड हमें चाहिए हिंदी, कि कैंडिडेट हिंदी में बात कर सकते हैं या नहीं। तो इसे भी रखेंगे कैरेक्टर 1 नॉट नल। और हम चेक कंडीशन दे रहे हैं कि जो हमारी हिंदी भाषा है उसमें ऑप्शंस में चाहिए 2, या तो यस या फिर नो। हम यहाँ पे एक पैरामीटर लिख सकते हैं डिफॉल्ट। अगर आप कुछ डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहें तो डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं, जैसे दीजिए यस। तो बाय चांस अगर कोई हिंदी कॉलम में डेटा इंसर्ट नहीं करेगा तो बाय डिफॉल्ट वो यस ले लेगा। अब इसी तरह से मुझे एक भाषा और बनानी है इंग्लिश, ये भी नॉट नल है
और यहाँ पे हम चेक कंडीशन दे रहे हैं इंग्लिश इन यस नो, यहाँ पे भी यस नो में आंसर आना चाहिए। MySQL में डेटा केस सेंसिटिव होते हैं और यहाँ पे डेटा हमेशा सिंगल कोट में आता है। अब जितने में ब्रैकेट्स ओपन करो उतने क्लोज करने होंगे और यहाँ पे मैं डिफॉल्ट में देता हूँ नो, आप कुछ और वैल्यू भी दे सकते हैं या नो में से। अब मैं सिटी बनाना है जिसे मैं बना रहा हूँ वैकर ऑफ 30 और नॉट नल। अब जैसे यहाँ पे मैंने केवल कुछ ही फील्ड स्पेसिफाई किया, आप इसमें कुछ और भी फील्ड चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दो ही भाषा रखी है, आप कुछ और भी भाषा रख सकते हैं लेकिन कमांड कुछ इसी तरह से रहेगा। हमने इंटरफेस किया। अब आपको मैं सिखाना चाहूंगा कि डेटा को इंसर्ट कैसे करते हैं। हालांकि जब हमने प्रोजेक्ट बनाया है तो वहां पर हमने पाइथन में क्वेरीज को लिख के डेटा को इंसर्ट किया, तो मैं आपको लिख रहा हूं इंसर्ट इनटू फिर टेबल का नाम, तो टेबल का नाम के कैंडिडेट्स। फिर हमें मेंशन करना पड़ता है कि कौन कौन से कॉलम्स में डेटा डालना है। तो कैंडिडेट आईडी में डेटा में नहीं डालना चाहता, मैं डेटा डालना चाहता हूँ नेम में, जेंडर में, हिंदी में, इंग्लिश में और साथ साथ सिटी में। फिर यहाँ पे कीवर्ड है वैल्यूज ना कि वैल्यू, तो वी राइट वैल्यूज। फिर ब्रैकेट में वैल्यूज नहीं पड़ती, जैसे पहला मैं व्यक्ति बनाना चाहता हूँ जैसे अजय, जेंडर में रखना चाहता हूँ मेल, फिर मैं हिंदी को रखना चाहता हूँ यस, इंग्लिश को रखना चाहता हूँ नो और सिटी जैसे मैं रखना चाहता हूँ भोपाल। अब यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगा के एंटर प्रेस किया, अब देख सकते हैं लिखा गया क्वेरी ओके। तो एक समय में मल्टीपल रोज भी इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ इंसर्ट इन कैंडिडेट्स, फिर जो जो कॉलम में इंसर्ट करें उन कॉलम्स का मेंशन यहाँ पे कर देते हैं नाम, फिर वैल्यूज नाम का कीवर्ड, फिर डेटा जैसे मैं डेटा दे रहा हूँ विजय, ये भी मेल है, इन्हें हिंदी नहीं आती है, इन्हें इंग्लिश आती है और इनकी सिटी है फॉर एग्जाम्पल चेन्नई। अब यहाँ पे हम कॉमा देंगे, अब कॉमा देखिए भी दूसरा सेट बना सकते हैं, जैसे मैंने कहा से संजना, ये फीमेल है, इनको हिंदी आती है, इनको इंग्लिश भी आती है और ये रहती है दिल्ली में। अब ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन, अब इससे जितनी चाहे आप उतनी रोज इंसर्ट कर सकते हैं। अब देखिए हमें सक्सेस मिलता है या नहीं, सक्सेस मिल गया। अब यहां पे हम करना चाहेंगे सिलेक्ट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कैंडिडेट्स। यहां पे स्टार का मतलब होता है कि हमें सभी कॉलम देखने हैं, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे कैंडिडेट आईडी ऑटोमेटिक जनरेट हो गया 1 2 3, नेम में शो रहा है अजय विजय और संजना, दो हमारे मेल और एक फीमेल है और इससे में डेटा शो रहा है। अब डेटाबेस में जब हम डीएमएल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं इंसर्ट अभी डिलीट, तो डेटा को हमें कमिट करना पड़ता है। अगर डेटाबेस में ऑटो कमिट ऑन है तो अपने आप डेटा कमिट हो जाएगा, तो हम देखना चाहेंगे कि हमारे डेटाबेस में ऑटो कमिट की क्या पोजीशन है। तो लिखते हैं सिलेक्ट एडिट एडिट ऑटो कमिट। तो सिस्टम यहाँ पे वन बता रहा है, वन यानी टू, कमिट सेट किया हुआ है। तो यहाँ पे हमें मैनुअली कमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साथ ही जब ऑटो कमिट ऑन होता तो रोल बैक नहीं हो पाता। जब हम ट्रांजेक्शनल एप्लीकेशंस बनाते हैं जैसे बैंकिंग सेक्टर के एप्लीकेशंस, हम ऑटो कमिट को ऑफ रखते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे सेट ऑटो कमिट इक्वल टू जीरो यानी फॉल्स। अब अगर हम फिर से देखें स्टेटस, तो अब स्टेटस जीरो हो गया, तो कंक्लूजन निकला कि अगर आप कमिट करना चाहते हैं और साथ साथ रोल बैक करना चाहते हैं तो रोल बैक तभी वर्क करेगा जब आपने ऑटो कमिट को फॉल्स सेट किया होगा। कभी कभी हम डेटा को चेंज करना चाहते हैं, कुछ पर्टिकुलर कॉलम देखना चाहते हैं, जैसे मैं देखना चाहता हूँ सिलेक्ट नेम कॉमा लैंग्वेज या सिलेक्ट नेम कॉमा सिटी फ्रॉम कैंडिडेट्स, तो आपके लिए दो जानकारी इशू होंगी। अब संजना दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो गई, तो हम लिखेंगे अपडेट टेबल का नाम जैसे कैंडिडेट्स सेट सिटी इक्वल टू जो भी नई सिटी हो मुंबई, फिर वेयर कंडीशन वेयर नेम इक्वल टू संजना, तो हम सिस्टम से रिक्वेस्ट करेंगे कि जहां पे नाम संजना है वहां पे सिटी चेंज हो जाए। अब देखिए हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कैंडिडेट्स, तो देखिए मुंबई हमें शुरू हो रहा है। अब क्योंकि मैंने ऑटो कमिट को ऑफ रखा है तो क्या मैं रोल बैक कर सकता हूँ, एक बार चेक कर लेते हैं। हमने कहा रोल बैक, अब देखिए वापस संजना दिल्ली में आ गई जबकि तो देखिए वो मुंबई में हो गई, तो ये हमारा बेनिफिट है कि अगर हमें गलती से कुछ गलत कर दिया तो रोल बैक कर सकते हैं। हालांकि मैं फिर से यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ और आपके बार में कमिट कर देता हूँ, एक बार अगर मैं कमिट कर दिया तो फिर रोल बैक नहीं हो पाएगा। अब अगर हम चेक करें तो मुंबई शुरू रहा है, और अगर मैं रोल बैक करूंगी तो कोई एडवांटेज नहीं होगा क्योंकि कमिट होने के बाद आप उसे चेंज नहीं कर सकते।
कभी कभी हम किसी को डिलीट करना चाहते हैं, जैसे हमने कहा डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, जैसे कैंडिडेट्स, अब कंडीशन दे दीजिए, जैसे वेयर कैंडिडेट आईडी इक्वल टू 3, तो ये रो डिलीट हो जाएगी। लेकिन अगेन क्योंकि मैंने ऑटो कमिट ऑफ रखा था, मैं रोल बैक कर सकता हूं, और जैसे ही रोल बैक ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो वापस संजना आ जाएगी। बाय चांस अगर मैं संजना को डिलीट कर देता और अगर मैं नया रो इंसर्ट करता तो कैंडिडेट आईडी 4 यूज होता ना कि 3, क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट हमेशा नेक्स्ट नंबर को यूज करता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया कि कैसे MySQL में टेबल्स डिजाइन कर सकते हैं। अब आप इसके बेसिस पे टीके एंटर का जो रिज्यूम ऐप था उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।